नमस्कार दोस्तों, फरवरी के महीने में सूर्य ग्रह के साथ ही बुध, मंगल, शनि और शुक्र भी अपनी स्थिति में परिवर्तन करेंगे। महीने के शुरुआत में ही 1 फरवरी को बुध मकर राशि में गोचर कर जाएंगे, जबकि 5 फरवरी को मंगल मकर राशि में गोचर करेंगे। इसके बाद 8 फरवरी को बुध मकर राशि में अस्त हो जाएंगे। 11 फरवरी को न्यायाधीश शनिदेव कुंभ राशि में अस्त होने जा रहे हैं। इसके बाद 12 फरवरी को शुक्र के मकर राशि में गोचर करने से त्रिग्रही योग भी बनेगा। इसके बाद 12 फरवरी को सूर्य कुंभ राशि में गोचर करेंगे और 20 फरवरी को बुध कुंभ राशि में गोचर करके बुद्धादित्य राजयोग का निर्माण भी करेंगे। ग्रहों की इस स्थिति का फरवरी के महीने में 6 राशियों को अच्छा परिणाम मिल सकता है। ये राशियां कौन कौन सी हैं और कैसे परिणाम इनको प्राप्त हो सकते हैं, आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं। मेष राशि। इस राशि के जातकों को ग्रहों की स्थिति से नौकरी और करियर में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं, कारोबार में इनको फायदा हो सकता है। इसके साथ ही इस महीने उन लोगों को भी लाभ होगा जो राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। आपका नाम इस दौरान सामाजिक स्तर पर काफी बढ़ सकता है, यानी कि आपके मान सम्मान में वृद्धि हो सकती है। आपकी लोकप्रियता भी इस महीने बढ़ सकती है। वृषभ राशि। फरवरी के महीने में वृषभ राशि वालों को काफी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। विदेश में शिक्षा अर्जित करने का अगर आप विचार बना रहे थे तो आपका ये विचार साकार रूप ले सकता है, यानी कि आपका ख्वाब पूरा हो सकता है। आर्थिक पक्ष भी पहले से मजबूत होगा। धर्म कर्म और तीर्थ यात्रा के संयोग बन सकते हैं। आप किसी धार्मिक यात्रा पर निकल सकते हैं। साथ ही आपके घर में कोई शुभ कार्य भी इस दौरान हो सकता है। आपको इस महीने में अपने पिता या उनके रिश्तेदार के जरिए लाभ मिलने की भी संभावना है। कर्क राशि। फरवरी के महीने में ग्रहों की स्थिति का अच्छा परिणाम आपको भी प्राप्त होगा। आपकी आमदनी में इस दौरान वृद्धि हो सकती है। साथ ही आपको किसी सरकारी क्षेत्र में लाभ भी प्राप्त हो सकता है। इस राशि के कुछ जातकों को निवेश से भी इस महीने लाभ होगा। इस दौरान अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो आप अनुभवी लोगों की सलाह के बाद कर सकते हैं। नौकरी में आपको पूरा मान सम्मान प्राप्त होगा। कन्या राशि। फरवरी के महीने में कन्या राशि के जातकों को अपनी संतान की तरफ से कोई अच्छी खबर मिल सकती है। साथ ही घर परिवार में विवाह या कोई मांगलिक कार्य हो सकता है। शिक्षा या प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। प्रेम संबंधों में भी प्रगाढ़ता बढ़ेगी और आप अपने लव पार्टनर के साथ कहीं घूमने भी जा सकते हैं। तुला राशि। तुला राशि के लोगों के लिए फरवरी का महीना ग्रहों की स्थिति के हिसाब से काफी अच्छा रहने वाला है। आपको धन लाभ के कई मौके मिल सकते हैं, यानी कि आपको अन्य स्रोतों से भी, अपने करियर के अलावा जो भी आप जॉब करते हैं उसके अलावा भी आपको अन्य स्रोतों से धन लाभ हो सकता है। शुक्र का प्रभाव आपको सुख संपत्ति देगा। साथ ही आपका मानसिक रूप से भी विकास होगा। इस महीने आपकी सेविंग्स में भी बढ़ोतरी हो सकती है। नौकरी पेशा लोगों को महीने के अंत में बेहद अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। आपकी पदोन्नति भी इस महीने हो सकती है। मकर राशि। मकर राशि के जातकों को भी इस महीने करियर के क्षेत्र में उन्नति मिल सकती है। अगर कोई काम अटका हुआ था वो पूरा हो सकता है। महीने के अंत में आप अपने पिता के साथ नया कारोबार शुरू करने का विचार बना सकते हैं। अगर कोई मामला कोर्ट कचहरी में फंसा हुआ था तो इस महीने उसका हल आपको मिल सकता है। आप कोर्ट कचहरी के मामलों में विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहें NBT Live। नमस्कार।